जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है जय और मैं आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द लर्निंग फील्ड पर। दोस्तों एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपके सामने एक नई गवर्नमेंट भर्ती अपडेट के साथ। दोस्तों आज इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश पंचायत विभाग की भर्ती के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इसमें नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में। तो इस वैकेंसी में आपके कुल पद हैं 2783। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपकी पोस्ट नेम के बारे में। तो यहाँ पर आपकी पहली पोस्ट है पंचायत सहायक, जिसे हम पंचायत असिस्टेंट भी कह सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपकी पोस्ट है अकाउंटेंट कम डेटा एंट्री ऑपरेटर। तो ये हो गई आपकी पोस्ट। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपके इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन 18 मई 2022 से शुरू होंगे। यहाँ पर आपको बता दें कि जो इसके एप्लीकेशन है वो ऑफलाइन करने होंगे। अब हम बात करेंगे इसकी लास्ट डेट के बारे में, यानी कि इसका फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट क्या है। तो यहाँ पर इसकी लास्ट डेट है 3 जून 2022। अब हम बात करेंगे इसके मेरिट लिस्ट की डेट के बारे में। तो यहाँ पर आपकी जो मेरिट है वो 10 जून से लेकर 17 जून के बीच आपकी मेरिट लिस्ट आ सकती है। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं यहाँ पर आपकी एज लिमिट, यानी कि आपके उम्र के बारे में। तो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए आपकी कम से कम उम्र 18 साल होनी चाहिए और आपकी अधिकतम उम्र 40 साल तक होनी जरूरी है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए आपको जो है भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी बोर्ड से आपको 12वीं पास होना जरूरी है किसी भी स्ट्रीम के अंदर। ओके, तो ये हो गया इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इसके मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में। तो यहाँ पर जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है वो मेरिट लिस्ट के बेसिस पर रहेगा, यानी कि आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी उसके बेसिस पर यहाँ पर आपका सिलेक्शन होगा। अब बात करते हैं कि आप इसका फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं। तो इस भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले इसका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना होगा। उसके बाद आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म सही तरीके से फिल करना होगा और सभी निर्धारित डॉक्यूमेंट्स के साथ व्यक्तिगत रूप से या फिर रजिस्टर्ड डाक से अपनी ग्राम पंचायत या फिर विकास खंड कार्यालय अथवा पंचायत राज अधिकारी के कार्यालय में निर्धारित समयावधि यानी कि 18/5/2022 से लेकर 3 जून 2022 के बीच आपको अपना फॉर्म सबमिट कराना होगा। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो था उत्तर प्रदेश पंचायत विभाग की भर्ती के बारे में, जिसमें कि पंचायत सहायक, इसके अलावा अकाउंटेंट कम डेटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती निकली है। इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 2783। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर हमने आपको जो इन्फॉर्मेशन दी वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और फ्यूचर में इस चैनल पर इसी तरह के यूजफुल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जय हिंद।